फ्रेंड्स, पीएम किसान योजना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। जैसे हमारे बहुत से किसान भाई मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि सर, हमारा जो पैसा है वो किसी और के अकाउंट में जा रहा है, तो हम इसको कैसे सही करें। तो उसके रिकॉर्डिंग मैंने सोचा कि लाओ एक वीडियो के माध्यम से मैं अपने किसान भाइयों को समझा दूं कि जो पैसा है वो आपके अकाउंट में कब तक आएगा और कैसे आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो मैंने सोचा कि लाओ अपने किसान भाइयों को समझा देता हूं कि इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। और बहुत से किसान भाई ऐसे भी हैं जिनको पैसा मिल ही नहीं पा रहा है, बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जिनको पैसा मिल ही नहीं पा रहा है, तो वो किसान भाई क्या करें। तो उनके लिए भी मैंने सोचा कि लाओ वीडियो के माध्यम से उनको समझा देता हूं और कि कैसे उनके अकाउंट में जो है वो पैसा आएगा। तो वीडियो को अंत तक देखना है, बिल्कुल भी कट नहीं करना है। मैं पूरा प्रोसेस आपको यहां पे बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है और किस प्रकार से जो है वो आपके अकाउंट में जो पैसा है वो आ जाएगा। भले ही आपकी एक किस्त नहीं आई है या दो किस्त नहीं आई है या तीन किस्त नहीं आई है या आठवीं इंस्टॉलमेंट जो आने वाली है वो भी शायद आपके अकाउंट में ना आए अगर आप ये काम नहीं करेंगे। तो आपको जल्दी से ये काम पूरा कर लेना है, उसके बाद में ही आपको जो है जो किस्त का पैसा है वो आपके अकाउंट में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ले चलते हैं आपको स्क्रीन पर। तो किसान भाइयों, मेरा नाम है राजू गंगवार, आप देख रहे हैं पीएम किसान योजना चैनल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे अगर हम यहाँ पे कोई भी वीडियो डाल लें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि आपको पता है कि ये पीएम किसान योजना चैनल है, यहाँ पे नई जानकारियां नया अपडेट हमेशा आता रहता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ले आपके एक क्रोम ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा और वहां पे देख रहे हैं आप ये जो वेबसाइट मैंने दी है आपको ये डालना पड़ेगी। अगर आपको नहीं पता है और नहीं आ रही है तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पीएम किसान, सबसे पहले आप देखेंगे पीएम किसान, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा, उसके बाद में ये एक इंटरफेस पे आ जाएगा। यहाँ पे ये ओपन हो चुका है और लिखा हुआ है पीएम किसान आठवीं इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी, 2000 रूपए की आठवीं किस्त, करें ये काम, एक भी पैसे का नहीं होगा नुकसान। अगर आप ये काम करेंगे तो आपको एक भी पैसे का यहाँ पे नुकसान नहीं होने वाला है। आप इसको चाहें तो मैं यहाँ पे भी आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं उसके लिए। तो उसके बाद में देखेंगे थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है पीएम किसान आठवीं इंस्टॉलमेंट, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 15 अप्रैल से किसानों के खाते में 2000 रूपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मतलब 15 अप्रैल से जो है वो 2000 रूपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे जो आपके अकाउंट में यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद में देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना आठवीं इंस्टॉलमेंट, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ किसानों को लाभ मिल रहा है। इस योजना केंद्र सरकार द्वारा किसानों को हित में चलाई गई है। इसके तहत एक साल में 2000 रूपये की तीन किस्तें यानी 6000 रूपये किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। 15 अप्रैल से योजना के तहत किसानों के खाते में 2000 रूपये ट्रांसफर किए जाएंगे। ये किसानों के खाते में आने वाली 2000 रूपये की किस्त आठवीं किस्त है, लेकिन ऐसे में शिकायत मिलने पर कि आवेदन के बाद में खाते में पैसे नहीं आए, मतलब ट्रांसफर हो गया फिर भी उनके खाते में पैसे नहीं आए। किसान भाइयों, तो क्यों नहीं आए वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो क्या आपको पता करना चाहिए कि हमारे खाते में पैसा क्यों नहीं आ रहा है, कि क्या वजह है जिसके खाते में हमारे पैसे में हमारे यहाँ अकाउंट में जो पैसा नहीं आ रहा है। अब देखिए एक भी पैसे का नहीं होगा नुकसान। किसान भाइयों, आपको एक भी पैसे का यहाँ पे नुकसान नहीं होगा अगर आप ये काम करते हैं। तो आवेदन के बाद में अगर आप बेनिफिशियरी स्टेटस पर अपना स्टेटस यूटी गवर्नमेंट द्वारा पीएम किसान योजना के गवर्नमेंट पोर्टल पर जाइए और वहां पर भले ही किस्त ना मिली हो और उसका नुकसान नहीं हो पाया हो, ये वजह है कि किस्त रुकी है या गलती सुधारने के लिए अपना डॉक्यूमेंट जो है आपके डॉक्यूमेंट वो पूरा होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे जो पैसा है जो आपके अकाउंट में चला जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी किसान का नाम सरकार द्वारा रजिस्टर किया होना चाहिए, वह पात्र होना चाहिए, यहाँ पे पात्र भी होना चाहिए और उनका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है वहां पे उनका रजिस्ट्रेशन भी होना कंपलसरी है, तभी आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए गलती खोजने के लिए ऐसे चेक करें अपनी डिटेल, अगर आपने यहाँ पे कोई भी गलतियां की हैं तो उसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। आवेदन करने के बाद अपने खाते में नहीं आ रहा पैसा तो आपको द्वारा किए गए जो आवेदन है उसको देख लेना चाहिए, हो सकता है कि आपने जो फॉर्म है वो गलत भरा हो या फिर कोई भी जानकारी यहाँ पे आपने गलत दी है, जिसके कारण आप pm.in गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है आप वहां पे चले जाइएगा। जाने के बाद में वहां पे आपको फॉर्मर जो फॉर्मर का जो कॉर्नर का ऑप्शन होता है वहां पे आपको कुछ विकल्प दिए जाएंगे जो नीचे रहते हैं, मैंने आपको बताया भी था,
वहां पे जाने के बाद में आप जो है वहां पे जाकर अपनी जो डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं। तो और ज्यादा करें तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिए हुए, इन हेल्पलाइन नंबर पर जाइए और अपनी समस्या का समाधान करवा लीजिएगा। ये हेल्पलाइन नंबर जो है ये आपकी फुल हेल्प करने के लिए तैयार है। अगर यहाँ से कोई हेल्प नहीं मिलती है या फोन नहीं उठाता है तो आपको पता है मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास में है, आप मेरे से भी कंपलसरी मतलब जो व्हाट्सएप है उस पर मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आप उस पर मैसेज करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा, नहीं तो कमेंट्स बॉक्स में चले जाइएगा, वहां पर आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको फुल रिप्लाई भी दूंगा और फुल सपोर्ट भी आपके यहाँ पे करूंगा। तो बस किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी परेशानी आती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपके यहाँ पे फुल हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय।